मध्य प्रदेश के खंडवा से आपको एक खबर बता दें, जहां पर बाबा के वेश में चोरी करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में मामला सुलझा दिया और आरोपी के पास से 20 मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किए गए। आपको बता दें कि आरोपी इंदौर के चंदन नगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो बाबा के वेश में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। 6 तारीख और 7 तारीख की मध्य रात्रि को अज्ञात बदमाश ने उनकी दुकान के ऊपर छत का पतरा हटा करके अंदर प्रवेश करके करीब 20 मोबाइल, जिसमें एंड्रॉयड और नॉन एंड्रॉयड दोनों तरह के मोबाइल थे, वो चोरी किए। थाना कोतवाली की जो टीम है इसमें लगाया था, तो उन्होंने कई कैमरे और सीसीटीवी फुटेज देखे, और देखने के बाद एक काले कपड़े पहनने वाले बाबा जैसा हुलिया के आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया। और उससे जब और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शेख शकील फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। शेख शकील, कैसे इस खुलासा हुआ इस पूरे मामले का, क्या कुछ कह रही है पुलिस, कैसे पता चला कि बाबा के वेश में ये आदमी चोरी करता है? दरअसल ये घटना 2 दिन पहले की है। रेलवे स्टेशन रोड के पास एक मोबाइल की दुकान है, उस मोबाइल की दुकान में जो पीछे का एरिया था वहां से कोई अज्ञात चोर घुस गया था और लगभग 1 लाख से अधिक का वहां से मोबाइल और अन्य सामग्री लेकर फरार हो गया था। पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त यह घटना हुई थी, किसी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने आसपास के एरियो के जब सीसी फुटेज खंगाले तो उसमें एक गंदे कपड़े और दाढ़ी में एक व्यक्ति दिखा, जो बाबा के भेष में लग रहा था। उसको लेकर पुलिस को शक हुआ। आसपास के एरियो में जब सर्चिंग की गई तो पता चला कि कब्रस्तान रोड एरिया में कहीं वो बाबा रहता है, जिसका नाम जमील है, जो इंदौर का निवासी है, लेकिन यहाँ पे जय बाबा के नाम से रहकर घूम रहा था। पुलिस ने उसको थाने लाकर जब उससे पूछताछ की तो थोड़ी देर में वो टूट गया और उसने पूरे घटना का मामला जो है पुलिस के सामने खुलासा कर दिया। तो बाबा के वेश में जाकर चोरी किया था इस शख्स ने, और इस पूरे मामले का खुलासा जो है पुलिस ने कर लिया है। बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शेख आपका।